सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां कुलदीप बिश्नोई पर रेड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। रेड पर इनकम टैक्स ने यह खुलासा किया है, विदेशों में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यूके, यूएई, पनामा, बीवीआई, जर्सी जैसे देशों में संपत्ति मिली है। आईटी ने खुलासा किया है और संपत्ति कई लोगों के नाम से जमा करने का आरोप लगा है। ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। कुलदीप बिश्नोई को लेकर उनके ठिकानों पर जब छापेमारी की गई थी आईटी विभाग के द्वारा, अब ये खुलासा किया गया है, संपत्ति कई लोगों के नाम से जमा करने का आरोप लगाया गया है। ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। कुलदीप बिश्नोई पर रेड का यह मामला है। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और आईटी विभाग ने इनकम टैक्स का यह खुलासा है, रेड पर इनकम टैक्स का खुलासा कि और भी संपत्ति है जो बाहरी देशों में है। इसी खबर पर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, और क्या कुछ खुलासा किया है? बिल्कुल, देखिए पिछले चार दिन लगातार कुलदीप बिश्नोई के आवासों पर, हिसार और दिल्ली में जो आईटी की रेड पड़ी थी, उसके बाद अब इनकम टैक्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया कि जो ये छापेमारी की गई थी, छापेमारी में कुलदीप बिश्नोई की जो एक तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति विदेशों में पता लगी है। कई देश ऐसे हैं जहां पर कुलदीप बिश्नोई की संपत्ति है, यूके, यूएई, पनामा, जर्सी समेत कई कंट्री ऐसे जहां पर कुलदीप बिश्नोई की अवैध संपत्ति है। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग देशों में इतनी बड़ी संपत्ति है, तो ऐसे में पूरी की पूरी जो संपत्ति है ब्लैक मनी है। कुलदीप बिश्नोई की 200 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी का पता चला है। और कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद कुलदीप बिश्नोई की जो मुश्किलें वो बढ़ने बिल्कुल आगे की बात है। इनकम टैक्स की तरफ से उनको मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो विदेशों में सारी संपत्ति और कहीं ना कहीं कई तरह की जो बड़ी डीलिंग की, कई तरह के जो बड़े पैसों का आना जाना हुआ है विदेशों में, तो ऐसे में ईडी की तरफ से भी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर कहीं ना कहीं पंजा कसा जा सकता है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का लगातार ये कहना रहा है कि जो बीजेपी सरकार है संस्थाओं का मिसयूज करती है, दबाव बनाती है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की तरफ से अपना आधिकारिक बयान जारी किया गया। उस आधिकारिक बयान में हालांकि कुलदीप बिश्नोई का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जो आधिकारिक बयान है कुलदीप बिश्नोई से संबंधित आधिकारिक बयान है। और इस आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्लैक मनी का पता विदेशों में चला है। तो ये खुलासा किया गया है अनिल मोर, और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए अब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आगे अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ब्लैक मनी कानून के तहत तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन अभी क्या और भी मुश्किलें जो है यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? देखिए कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ने तय है, क्योंकि जो आईटी की छापेमारी हुई, आईटी की तरफ से जो कहना गया आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया, इसमें कहा गया कि 200 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी का पता लगा है, कई देशों में ब्लैक मनी है। इसके अलावा कर चोरी का भी पता लगा, तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी कुलदीप बिश्नोई ने किया। तो ऐसे में इनकम टैक्स की तरफ से इनको कई मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में संपत्ति उनकी है, ब्लैक मनी है, तो ऐसे में जब विदेशों में संपत्ति खरीदी गई है तो बड़े स्तर पर लेना देना पैसे का हुआ है। ऐसे में जो पैसा बाहर गया है, उस पैसे का क्या रूप था, पैसा किस तरीके से बाहर गया, पैसा हवाला के जरिए गया है, पैसा किसी और तरीके से बाहर भिजवाया गया, तो ऐसे में ईडी की तरफ से भी कार्रवाई कुलदीप बिश्नोई के ऊपर की जा सकती है। तो इतना तय है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए आने वाले दिन इतने आसान नहीं है। और इस पूरे खुलासे के बाद कुलदीप बिश्नोई के परिवार की ओर से या फिर उनका खुद का कोई बयान अभी सामने आया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी ओर से रह सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ही नेताओं के द्वारा ये कहना शुरू कर दिया गया था कि राजनीतिक द्वेष के चलते छापेमारी की गई है। देखिए कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि एक राजनीतिक द्वेष के चलते छापेमारी की गई है, लेकिन जो इनकम टैक्स की तरफ से जांच की गई, उस जांच के बाद पता चला है कि कई देशों में, चाहे ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, पनामा, बीबीआईपी, जर्सी समेत कई देशों में ऐसे देश है जहां पर कुलदीप बिश्नोई की अवैध संपत्ति है, और कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ब्लैक मनी है। और जो ये ब्लैक मनी जोड़ी गई है अलग अलग नामों से वहां पर इकट्ठा की गई। इसके अलावा
कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई का हीरों का लंबा थोड़ा काम विदेशों में, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो फरार है उन लोगों से भी कुलदीप बिश्नोई के संबंध है, ऐसी कोई बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उन लोगों के साथ कुलदीप बिश्नोई के कारोबारी संबंध है, क्योंकि वो भी हीरे के व्यवसाय है, कुलदीप बिश्नोई का भी हीरे का बड़ा लंबा थोड़ा काम है। तो ऐसे में कई तरह की बातें सामने आ रही है, और जो ये जांच इनकम टैक्स की वजह से इनकम टैक्स की जांच के बाद 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ब्लैक मनी कुलदीप बिश्नोई की बताई जा रही है। देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की जाएगी, और ईडी भी आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहना कि किसी तरह की कदम उठा सकती है। जी अनिल मोर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, हालांकि पहले नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने ये जानबूझकर छापेमारी करवाई है, राजनीतिक द्वेष के चलते छापेमारी की गई है, जिससे कि भव्य बिश्नोई का ट्वीट भी सामने आया था, कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी सामने आया था, उससे भी साफ जाहिर हो रहा था। लेकिन अब ये खुलासा जो यहाँ पर किया गया है, उस खुलासे के बाद देखना ये होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया अब इस पर नेताओं की रहती है, क्योंकि यूके, यूएई, पनामा, बीवीआई और जर्सी देशों में संपत्ति मिली है, एसआईटी विभाग का कहना है।